अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद हकीम हाजिर के चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा कुदरती और हैरत अंगेज नुस्खा बताने वाले हैं जो खांसी के लिए किसी जादू से कम नहीं। एक छोटा सा फल जो शायद आपके बावर्ची खाने में पड़ा हो, आपकी खांसी को जड़ से ख़त्म कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इनाब की। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ इनाब के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि आपको चंद छोटे छोटे मजीद घरेलू नुस्खे भी बताएंगे जो खांसी के लिए बहुत मुफीद हैं। इनाब एक ऐसा फल जिसे अक्सर लोग खाने के जायके के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खांसी के इलाज में भी हैरतअंगेज तौर पर मुफीद है। इनाब में कुदरती अजज़ा मौजूद होते हैं जो न सिर्फ गले की सोजिश को ख़त्म करते हैं बल्कि खांसी को कम करने में भी मदद देते हैं। लेकिन ये कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी टिप देने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। क्या आप जानते हैं कि इनाब को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो खांसी का इलाज दिनों में हो सकता है? जी हाँ, यह एक नुस्खा है। 10 से 15 इनाब लें और इन्हें रात भर पानी में भिगो दें। सुबह होते ही इस पानी को छान लें और नीम गर्म करें। लेकिन देखिए, यह नुस्खा तब और भी मौसर हो जाता है जब आप इसमें एक चम्मच शहद मिला दें। शहद न सिर्फ इनाब के असरात को बढ़ाता है बल्कि गले को भी आराम देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इनाब दस्तियाब ना हो तो क्या करें। घबराने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास कुछ और नुस्खे भी हैं। थोड़ा सा अदरक का रस निकालकर इसमें एक चम्मच शहद मिला लें। दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। ये गले की सोजिश को ख़त्म करने और खांसी को कम करने के लिए बहुत कारगर साबित होता है। कलौंजी के चंद दाने पानी में उबालकर इसमें एक चम्मच शहद मिला लें। यह नुस्खा खुश्क खांसी के लिए बेहतरीन है। दालचीनी का कहवा खांसी के दौरान पीने से गले को फौरी आराम मिलता है और बलगम का अखराज भी आसान हो जाता है। अब एक आखिरी लेकिन अहम बात, क्या आप जानते हैं कि खांसी को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए सिर्फ दवाई काफ़ी नहीं होती? आपको कुछ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी पड़ती हैं, जैसे कि गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, सर्दी में गर्म कपड़े पहनना और ख़ास तौर पर मसालेदार और ठंडी चीज़ों से परहेज़। तो ये थे चंद आसान और कुदरती घरेलू नुस्खे जो खांसी के इलाज में इंतहाई मुफीद हैं। आप भी इनाब और दीगर नुस्खे इस्तेमाल करें और हमें अपनी राय से आगाह करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी मजीद मुफीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।